सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा CSS चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग हमें करवाना है कोर्स, ठीक है। और ये हम अब इस वीडियो को अब आगे लेके जाएंगे, मीन्स जो हमने जहां तक किया है उससे थोड़ा सा आगे एक और एनिमेशन आज हम बनाएंगे, ठीक है। और जब ये CSS कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको HTML और CSS दोनों की कोडिंग से छोटी सी नॉर्मल सी वेबसाइट बनाना आपको बता दूंगा, ओके। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे बने रहो, सपोर्ट करो हमें। और दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने की जगह दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, व्यूज कम मिल रहा है। और दिक्कत क्या है, मीन्स मेरा समझाया हुआ समझ में नहीं आता है, या वीडियो बोरिंग लगती है, या क्या है, क्या दिक्कत है? आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बहुत बोरिंग लगती है आपको, मैं थोड़ा सा हंसी मजाक करके पढ़ाऊं, मैं वो भी कर सकता हूँ, ओके। तो चलो फिर, रिजल्ट आपके सामने, और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं ना किसी देरी के। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो बिना किसी देरी के हम बिना कोई बात बनाए और बिना आपका जरा सा भी टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। हम अपना VS खोल लेते हैं, हमारा VS खुल चुका है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इस पे कोडिंग स्टार्ट करेंगे। HTML लिखा हमने, ठीक है। देन हेड, आपको मालूम है मैं टाइटल नहीं लगाता हूँ, क्यों नहीं लगाता हूँ ये मालूम ही होगा, आई थिंक मालूम होना भी चाहिए। हमने हेड खोल दिया, अब हम स्टाइल कोड लगा देंगे। स्टाइल कोड लग चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट को हमें एनिमेशन देना है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखेंगे। अब प्रॉपर्टीज डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते, है ना, तो हमें किसी ना किसी एक उसको उसे डिनोट करना होता है, या तो पैराग्राफ या हेडिंग या कुछ भी, कोई नाम आईडी से उसे हमें करना होता है। तो हम इसको दे देते हैं H2, ओके। ये हमने इसको H2 एक प्रॉपर्टी दे दी कि इसके अंदर आने वाले ही टेक्स्ट को हमें एनिमेट करना है, बस। तो हम इसके अंदर लिखेंगे कुछ जो हमें टेक्स्ट में प्रॉपर्टीज देनी है, जैसे विद अपने हिसाब से ले सकते हो आप, विद जितनी आपको लेनी है। जैसे मैं कर लेता हूँ 18 पिक्चर, एनिमेशन नेम में दे सकते हो कुछ भी, हम यहाँ दे देते हैं टेक्स्ट। देन एनिमेशन इटरेशन इटरेशन काउंट, ये रहा, ठीक है। तो इटरेशन काउंट में आप जितना भी चाहो उतना दे सकते हो, 5, मतलब एनिमेशन कितनी बार होना चाहिए, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 16 बार, 18, 20, जो भी एनीथिंग, जितनी भी बार आप उसे एनिमेट करवाना चाहते हो। हम चाहते हैं कि भाई इन्फिनिटी होता रहे, हमारे कुछ चार, ठीक है। अब बात आती है एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन कितने सेकंड में एनिमेशन कंप्लीट होना चाहिए, टाइमिंग तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। हमने दे दिया कि साहब 5 सेकंड में हो जाए, 5 सेकंड में हो जाए, ज़्यादा में कोई उससे हर्ज नहीं है भाई, इतने में हो जाए बहुत है अपने लिए, ओके। अब हम इसमें लाएंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो भी आपको लगाना हो वो आप लगा देना अपने हिसाब से। हम ये ले लेते हैं
मुझे नहीं मालूम कौन सा कलर होता है ये। ठीक है, अब हम मान लीजिए हमें चाहिए 5 लाइनें, 5 लाइनें एनिमेट होनी चाहिए, तो हम अलग अलग उनको डिफाइन करेंगे। जैसे हमने कह दी 1, ठीक है, तो हम इसमें रखेंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ओके, इसमें रखेंगे फिर से, ओके, ये हुआ है ऐसी 2 3 4 5 सेम। अब जब सेम ही रखना है तो कर देंगे इसे कॉपी देन पेस्ट पेस्ट पेस्ट, टूथ पेस्ट नहीं, ध्यान रखना। कितने हो, 4 पेस्ट, 5 यहां पे लिख दो, WO2, TO2, थ्री थ्री नहीं होता बेटे, 3 होता है, 3 3 3, FOOUR, 4, फाइव, ओके, यहाँ कह देंगे हम लीनियर लीनियर, यहाँ हो जाएगा इज ए इन, ये हो जाएगा आउट, टाटा बाय बाय आउट, ठीक है, ये हो जाएगा इन आउट, ये हमने उसका प्रॉपर्टीज दे दी। अब हम बॉडी सेक्शन लिखेंगे, बॉडी सेक्शन लिखेंगे। अब देखो बॉडी सेक्शन हमें कैसे लिखना है, बॉडी जैसे हमने H2 से डिफाइन किया है ना, तो हम लिखेंगे H2 क्या है, हैशटैग है, हैशटैग के लिए क्या होता है ID। अब जैसे 1 है तो 1, अब इनके बीच में जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूं कम अरे यार, ये तो सिस्टम कोड लिख गया, ये तो बस नॉर्मल कोड लिख गया, कंप्यूटर कोड, ठीक है। अब क्योंकि हमें 5 बार ऐसे ही करना है, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, बस सिंपल। यहाँ पर चेंज करो, हाँ तो TW2, यहाँ भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर तो इंडियन अकेडमी, यहाँ का तो PHR33, देन इधर लिख देता हूँ मैं, और जो भी आपको लिखना हो प्रैक्टिस के बतौर वो आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बस ये ध्यान रखना जो यहाँ आप हैशटैग के साथ लिखो वही यहाँ होना चाहिए, सेम स्पेलिंग तक सेम होनी चाहिए, सेफ मिनिमाइज करो, इसे ओपन करो। देन ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है लोड होने में, कोई इशू नहीं है, है ना दोस्तों। देखो यार बहुत निराशा हो रही है, आपने वादा किया था आप वीडियो को शेयर किया करोगे,
सब्सक्राइब बढ़वाओगे तो करवाओ यार, अगर ये नहीं करवा सकते कम से कम वीडियो को पूरा देखा करो यार, पूरा देखा करो, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सच बता रहा हूँ। आप लोग पूरा नहीं देखते, बड़ा दिल दुखता है। और आप मेरा जो दूसरा चैनल है उसे देखा ही नहीं है अभी तक आपने, यार ऐसा मत प्लीज। ये तो एनिमेट हो नहीं रहा, अब क्यों नहीं हो रहा है ये भी बताता हूँ मैं। चलो वापस चलते हैं अपने कोड पे। हमने की फ्रेम नहीं दिया है भाई, क्या नहीं दिया है, की फ्रेम। सही है, की फ्रेम क्या बला है ना, अबे भूलो है। की फ्रेम आपका होता है किसी भी चीज को बताने अलग क्या है, हमें एनिमेशन करवाना क्या है, करवाना क्या है मेरे भाई, वो तो दिया नहीं है हमने, दे दिया की फ्रेम। की फ्रेम टेक्स्ट के लिए, हमें एनिमेट करवाना है टेक्स्ट को, मीन्स हमने इस पूरे को नाम दिया ना टेक्स्ट, इसलिए। अब ये कह रहा है अच्छा ठीक है कर देंगे कोई नहीं, पर कहां से कहां, क्या तुम कहेंगे फ्रॉम फ्रॉम मार्जिन लेफ्ट, मान लो 40 पिक्सल, देन हम कह देंगे टू मार्जिन राइट 0। अब देखते हैं, सेव करो, चेक करो, देखा। अब आप कहोगे अरे सर ये तो दूर से तो आ नहीं रहा ये इतने में, अरे तो इधर मार्जिन बढ़ा दो ना मेरे भाई, मार्जिन बढ़ा दो, सेफ करो। अब देखो मार्जिन बढ़ा दो, बिल्कुल इधर से ले लो मार्जिन बढ़ा के, जैसे भी आपको सही लगे, चेक करो ना, अरे करने की कोशिश करो तभी तो होगा। देखो एक चीज और दिखाता हूँ, ये आप यहाँ पर डबल डबल लाइन होती है, सिंगल लाइन में नहीं आ रहा, क्या करो विद बढ़ा लो, विद बढ़ा लो, कितनी बढ़ा लो, मान लो कर लो 60 पिक्सल, सेव, देन रिजल्ट, देखा देखा अभी भी नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हो, और बढ़ा लो, कर दो 100 पिक्सल, सेटिस्फाई अभी भी नहीं है, और बढ़ाओ, कौन मना कर रहा है यार, करके देखो। ठीक है ठीक है, ये वीडियो सिर्फ इतनी ही थी, एनिमेशन हो रहा है हमें सिर्फ यही दिखाना था, तो इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ध्यान रखें, जय हिंद।